नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ एंड जीके विद अमित में। आज 11 नवंबर 2021 है और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। और इसी के साथ साथ जो कोर्ट केस लगे हुए हैं, हम बात करें JBT, JOT 817 और पैट, उन सभी की जो कोर्ट स्टेटस है उसकी अपडेट भी आई है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेचारों को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली शाम को 7 बजे के करीब जो है जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनसे संबंधित अपडेट जो है लेकर आते हैं। सबसे पहले जो हम कोर्ट से अपडेट आई हैं उनको देखते हैं। पहली अपडेट जो है पैट से संबंधित है। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो अभी 25 नवंबर 2021 को दी गई है। पैट के केस की बात करें तो ये भी काफ़ी पुराना है और अभी भी जो है कोर्ट में चला हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि जो ड्राइंग मास्टर और पैट के टीचर्स हैं उनकी न्यू रिक्रूटमेंट भी होगी। जो भी डायरेक्ट पोस्टें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरी जाएगी उनमें इनके लिए कौन से RNP रूल्स होते हैं, ये देखने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बहुत जल्द जो हमें इनके ऊपर नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम JBT वर्सेज BEd केस की देखते हैं, जिनकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है कल की दी गई है, मीन्स 12 नवंबर 2021 को फिर से जो इनकी कोर्ट में हियरिंग होगी। नेक्स्ट हियरिंग की बात करें तो नेक्स्ट हियरिंग जो IT पोस्ट कोड 817 से संबंधित है, इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 17 नवंबर 2021 को दी गई है। इसकी अपडेट जो हमने आपको दिन में ही प्रोवाइड करवा दी थी। अब हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो अपडेट आई है उसको देखते हैं। ये अपडेट स्क्रीनिंग रिजल्ट से संबंधित है, जो कि सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर क्लास 3 से संबंधित है। इसका जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर 2021 को होना है इवनिंग सेशन में, और अब जो इसके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट यहाँ पर दी है, आप वहाँ पर जाकर जो है इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अदर कोई क्वेरी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है कॉल भी कर सकते हैं। आज हमने लेक्चर स्कूल कॉमर्स के ऊपर दिन में एक वीडियो अपडेट करी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जो PhD कॉमर्स से संबंधित है वो उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट अपडेट सभी जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित हैं। फर्स्ट अपडेट देखते हैं, जो कि पोस्ट कोड 896 से संबंधित है। ये पोस्ट कोड डेवलपमेंट ऑफिसर से संबंधित है और उसमें एक कैंडिडेट दिया गया है अनीता गुप्ता, जिनको विदिन 3 डेज के अंदर उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो साइट यहाँ पर दी है वहाँ पर जो है अपलोड करवाने होंगे। उन्होंने जो हिमाचली बोनोफाइड मैट्रिक और +2 का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर मांगा है, और साथ ही साथ इसी पोस्ट कोड की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो भी आ गई है, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट दिए गए हैं जिनके फॉर्म जो रिजेक्टेड हुए हैं। आपको पूरी लिस्ट जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, जो कि पोस्ट कोड 919 से संबंधित है। ये लैंग्वेज टीचर से संबंधित पोस्ट कोड है। इसमें भी एक कैंडिडेट दिया गया है मोनिका, इनको जो है विद इन 3 डेज के अंदर जो इनके डॉक्यूमेंट हैं वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट में अपलोड करवाने होंगे, और जो इनकी रिजेक्शन लिस्ट है वो भी आज आ गई है, तो ये भी जो है अपनी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं, जो कि आज की लास्ट अपडेट है। ये डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन से संबंधित अपडेट है, जो कि प्रेस डिफ्ट्री से संबंधित है। इसका जो पोस्ट कोड है वो 880 है और कल जो इनकी डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन होगी। अधिक जानकारी जो के लिए जो है आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आज अपडेट्स आई हैं आप यहां पर भी दे सकते हैं। जो मैंने बात कही जो रिजेक्शन लिस्ट है वो पोस्ट कोड 896 और 919 की जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब